नमस्कार, एसीपी न्यूज़ की टॉप 5 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ गरिमा। अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख। केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 को ख़त्म कर दिया है। साथ ही अब जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करते हुए दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अपनी विधायिका होगी, जबकि लद्दाख बिना विधानसभा वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा। उन्नाव दुष्कर्म के आरोपी संगेर के 17 ठिकानों पर सीबीआई के छापे। उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की कार हादसे की जांच कर रही सीबीआई ने रविवार को विधायक कुलदीप सेंगर व उनके करीबियों समेत 17 ठिकानों पर छापेमारी कर साक्ष्य जुटाए। सीबीआई ने जिला कारगर सीतापुर में बंद आरोपित विधायक से पूछताछ की। जाँच एजेंसियों की अलग अलग टीमों ने लखनऊ, उन्नाव, बांदा, फतेहपुर समेत 17 ठिकानों पर छानबीन की। अध्यक्ष चुनने के लिए कांग्रेस ने बुलाई बैठक। कांग्रेस ने राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद नए नेतृत्व पर असमंजस के लंबे दौर के बाद का अंत करने के लिए आखिरकार 10 अगस्त को कार्य समिति की बैठक बुलाने का फैसला किया है। इस बैठक में राहुल का इस्तीफा स्वीकार कर कांग्रेस के नए अंतरिम अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। राहुल के उत्तराधिकारी का फैसला करने की तारीख का ऐलान होते ही नए नेतृत्व को लेकर पार्टी में अंदरूनी सियासत के दौर भी तेज हो गए हैं। भारत ने जीती T20 सीरीज। भारतीय ओपनर रोहित शर्मा ने रविवार को खेले गए दूसरे T20 में 67 रनों के साथ ही T20 प्रारूप में सर्वाधिक छक्के मारने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उनकी अर्धशतकीय पारी की मदद से भारतीय टीम दूसरे T20 में 5 विकेट पर 167 रन बनाकर वेस्टइंडीज की टीम को 22 रन से हराकर T20 सीरीज अपने नाम कर ली है। हरियाणा में पंजाबी को दूसरी भाषा का दर्जा। हरियाणा में पंजाबी को दूसरी भाषा का दर्जा दिलाया जाएगा। साथ ही पंजाबी बाहुल्य जिलों में जल्द ही पंजाबी अध्यापकों के 400 रिक्त पद भरने के लिए जल्द विज्ञापन जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा की नई अनाज मंडी में गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश उत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की। अभी तक के लिए इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एसीपी न्यूज़। धन्यवाद।